झारखंड के राज्यपाल पहुंचे सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर, पूजन कर मां से राज्य की सुख समृद्धि की कामना, प्राकृतिक सौंदर्य देख हुए अभिभूत। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। विधिवत पूजा अर्चना कर उन्होंने परिवार और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि माता का बुलावा आया और मैं माता के दर्शन करने पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में माता को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता अपने भक्तों की सारे संकट को हर लेती है और समर्पण की भावना होने से भक्त को अपने चरणों में स्थान देकर कृतज्ञ करती है। उन्होंने कहा कि माँ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की भलाई व विकास के साथ जनता की सुख सुविधा के लिए माता से मन्नत की गई। मुझे विश्वास है कि माता झारखंड प्रदेश का सदा सर्वदा कल्याण करेगी। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राज्यपाल के यात्रा के दौरान सुरक्षा के चाक चौकस इंतजाम था। मौके पर पुलिस अध्यक्ष, DDC, SDPO, SDO समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। अब माता की इच्छा थी कि आज बुलाने का, और मुझे झारखंड आए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन माँ ने मुझे नहीं बुलाया था। और आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, और ऐसे महान पर्व पर मुझे माता जी ने याद किया और मैं माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आया। कोई भी शक्तिपीठ का दर्शन करो तो एक आत्म शांति मिलती है और एक स्फूर्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए कोई भी संकट के समय में कोई भी व्यक्ति भगवान का या माता का नाम याद करते हैं। आज माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मुझे भी एक शक्ति मिली है, और मैंने माता से मांगा है कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि हो। मैंने यही माता के सामने अपनी कामना की है। माघ महीना का शुक्ल पक्ष और गुप्त नवरात्र अभी चल रही है, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है सिद्धि प्राप्ति के लिए। और ये सिद्धपीठ भी है, और इसी के उद्देश्य पे आज हमारे झारखंड के गवर्नर महामहिम आए हुए थे माँ का दर्शन करने के लिए। अभी अभी उनका दर्शन पूजन हुआ और अभी यहाँ से विदा हुए हैं।